हेलो फ्रेंड, बंजारा मार्केट की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूं। और ये बंजारा मार्केट 58 घाटा विलेज वाली बंजारा मार्केट है। तो आज की मार्केट में एक्सप्लोर हम करेंगे, जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो मेक श्योर, अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बंजारा मार्केट से रिलेटेड मैं वीडियो आपसे मतलब कि अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। मैं एक बात और पूछना चाहूँगी आपसे, अगर आप होम डेकोर के या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे रूम ट्रांसफॉर्मेशन के फेवर में हैं, तो क्या मैं वैसी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ? आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो भी साथ के साथ शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। अगर आप चाहें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छा लगेगा या नहीं। तो फर्नीचर की आपको पता ही है, फर्नीचर की वैरायटी आपको भी 58 में भी मिल जाएंगी। प्राइस वाइज अगर मैं बात करूं तो प्राइस सेम ही है जो 55 के अराउंड मिलते हैं, बट फर्नीचर यहां आपको थोड़ा सा 55 से सस्ता मिल जाएगा। समझ रहे हैं आप, 55 में जो प्राइजेज हैं वो थोड़े हाई कोट करते हैं, बट 58 में जो प्राइस है वो नॉर्मल कोट होता है। तो आपको अच्छे और अफोर्डेबल प्राइस में फर्नीचर मिल जाएगा, चेयर वगैरह हो, सेंटर टेबल वगैरह हो, वो सब आपको मिल जाएंगे। 5000 के अराउंड ही कोट करते हैं, वो भी मिल जाएंगे, बट आपको 3000 या 4000 के आसपास। तो ये शॉप नंबर, जब मतलब एंट्री करते हैं हम बंजारा में, तब ही ये सामने ही आपको शॉप दिख जाएगी। इनके पास सारा गिलास का सामान है, तो मतलब कि गिलास में इन्होंने ना कैंडल लगाई हुई है, खुद कस्टमाइज, मान लीजिए इन्होंने कस्टमाइज खुद किया है या करवाया है, बट आपको कैंडल की वैरायटियां इनकी शॉप पर बहुत मिल जाएंगी। आप इनकी जो शॉप में एंट्री करोगे ना, तो फ्रेग्रेंस इनकी शॉप में इतनी अच्छी आती है कि आपको वहाँ से निकलने का मन नहीं करेगा। इनके पास ये एम्प्टी भी मिल जाएंगे गिलास अगर आप चाहते हैं, और अगर कैंडल के साथ लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएंगे, बट ये प्राइस थोड़ा सा हाई कोट करते हैं। और इनका जब भी ये कांच का सामान लेना तो थोड़ा देख के लें, क्योंकि जो काफ़ी इनकी ना धूप पड़ती है, जैसे काफ़ी टाइम का रखा होता है, तो थोड़ा हमारे यहाँ में बोला जाता है बोदा हो जाता है, तो उनके ना टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मेक श्योर कि आपको जो लेना है आपका प्रोडक्ट, वो बिल्कुल देख के लें, थोड़ा हैवी हो, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा अपने आप वेट कम कर देती हैं, जो चीज़ें टूटने के कगार पे होती हैं, तो वेट अच्छा खासा होना चाहिए उनका। कैंडल की वैरायटी आपको बहुत सुंदर फ्रेग्रेंस के साथ यहाँ पर मिल जाएगा। प्राइस इनके 300 के अराउंड स्टार्ट करते हैं ये, 1000 तक इनकी जो कैंडल्स हैं वो चली जाती हैं। तो थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करें, क्योंकि एक दो शॉप हो रहे हैं आगे, तो आप पहले उनसे भी मतलब कि एक्सप्लोर करें उनको, तभी आप यहाँ से बाय करें। मैं तो आपको यही बोलूँगी, अगर आपको अच्छा लगता है तो यहाँ से, हाँ अफोर्डेबल प्राइस में अगर आपको दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। और कैंडल की वैरायटी मैंने वहाँ पर काफ़ी अच्छी, मतलब फ्रेग्रेंस सबसे ज़्यादा इन्हीं की शॉप पर आपको मिलेगा, जो कैंडल की फ्रेग्रेंस है, अलग अलग तरह की फ्रेग्रेंस आपको इनकी शॉप पर मिलेगी। और सबसे यूनिक इस तरह के बड़े बिग साइज़ ऑफ मिरर मिल जाएंगे आपके, 5000 इन्होंने कोट किया था। इस तरह के कैंडल होल्डर भी मिल जाएंगे आपको, कैंडल स्टैंड आप आईने बोल सकते हैं, वो भी आपको इनकी दुकान पर मिल जाएंगे। और अपना खुद भी ये लेके कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जितना पैसा यहाँ लगाएंगे तो आप होममेड अपनी बहुत सारी बना लेंगे, मेरा मानना ये है, क्योंकि आप जितना भी वैक्स वहाँ से ख़रीदेंगे या कैंडल वहाँ से ख़रीदेंगे, उतने में तो वैक्स के साथ और अरोमा वगैरह के, अरोमा भी आ जाएगा और आपको वैक्स भी उतने में, उससे कम में और ज़्यादा मिल जाएंगे। वो तो एक कैंडल आपको 700 की मिलेगी, अब 700 में विद अरोमा 5-6 कैंडल आराम से बना सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये है, आगे आप जैसा भी समझे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और एक बात और मैं बोलूँगी कि भले ही दिवाली चली गई है, बट आपको इस तरह का जो दिवाली रिलेटेड सामान है वो मिल जाएगा आराम से। और प्राइस इनके ज़्यादातर जो होते हैं, देखिए मैनुअली मैं भी बोलती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि राइटिंग में ही देना, मैनुअल मैं आपको बता देती हूँ कि किसका कितना प्राइस रहता है,
ठीक है। जो ये हैंगिंग वाले ये 1200 का कोट करते हैं ये, और 700-800 तक का दे देंगे। बेस्ट शॉपिंग अगर आप दिवाली के लिए आप करना चाहते हैं अपने घर के लिए, नेक्स्ट दिवाली के लिए, तो दिवाली के बाद ज़रूर करें। प्राइस वो बहुत अफोर्डेबल देते हैं। 58 वाली बंजारा में कुछ दुकानें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे बहुत सस्ता सामान दे देंगी, क्योंकि हमने खुद बाय किया हुआ है तो हमें इतना तो पता है कि कौन सी शॉप पर किस प्राइस में आपको सामान मिल जाएगा। इस तरह के फ्लावर पॉट आपको मिल जाएंगे, इनका प्राइस उन्होंने कोट किया था 700-800 के अराउंड, और आपको ये 400-500 तक का आराम से मिल जाएगा। कैंडल स्टैंड की वैरायटी आपको बहुत यूनिक मिल जाएंगी, क्योंकि दिवाली पे अब की बार ना कैंडल स्टैंड का कलेक्शन काफ़ी अच्छा आया था। 700 का पेयर भी है, 800 का पेयर भी है। इस तरह के पेयर में आपको मिल जाएंगे बिग और स्मॉल साइजेस ऑफ टू। इस तरह की बास्केट मिल जाएंगी आपको, फ्रूट को कवर करने के लिए आप ले सकते हैं। इनका प्राइस उन्होंने कोट किया था 500 के अराउंड, सिंगल बास्केट है और ये आपको मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, सामान आफ्टर दिवाली भी आपको मिल जाएगा, और सही बताऊँ तो रीज़नेबल प्राइस आपको आफ्टर दिवाली ही मिलेगा। दिवाली से पहले तो इनके प्राइस इतने हाई कोट करते हैं कि आप लेने की सोच रहे हैं तो तभी अपना आइडिया ड्रॉप कर देंगे। ये वाला कैंडल स्टैंड है, इन्होंने किसी शॉप पर 1200 का था, किसी पे कितने का, एक शॉप पर मैंने देखा था उन्होंने 700-800 का मुझे कोट किया था। तो शॉप बहुत हैं, एक्सप्लोर करें, प्राइस देखें कौन सस्ता दे रहा है, उसके ही अकॉर्डिंगली आपको अपना जो है ये लेना है, प्रोडक्ट बाय करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक दुकान पर दुकान वाला अच्छा प्राइस देगा या एक दुकान। मैंने काफ़ी आपको ऐसी वीडियो में शेयरिंग में बताया है कि आपको एक, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और मैंने आपके साथ वो शेयर भी किया कि सामने वाली शॉप पर जो चीज़ 1200 का वन पीस मिल रहा था, वही दूसरी शॉप पर 1200 का वो पेयर दे रहे थे। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपना ऑप्शन ज़रूर रखें, दो दुकान हैं जो वो एक्सप्लोर करें। वुड का सामान अगर मिल जाएगा आपको, बहुत अलग अलग तरह का वुड का सामान मिल जाएगा, ये सॉफ्ट टॉय के अराउंड, मतलब एज ए होम डेकोर ये आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट वो आपको मिल जाएंगे, वुड में इस तरह के आर्टिकल मिल जाएंगे स्टैंड वाले। जैसे जैसे क्रिसमस आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा क्रिसमस का सामान भी आपको मिल जाएगा, बट ज़्यादातर क्रिसमस का जो सामान होता है ना वो बिग साइज़ में मिलता है, यहाँ पर स्मॉल साइज़ में नहीं मिलता, और ज़्यादातर वुड का सामान या शीशे का सामान मिलता है। तो मुझसे किसी ने बोला था कि वहाँ पर क्रिसमस का आप कलेक्शन एक्सप्लोर कीजिए, कलेक्शन आपको मिल जाएगा बट ऑफ बिग साइज ऑफ मिलेगा, और वो भी वुड का मिलेगा ज़्यादातर आपको। तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बंजारा में सिर्फ आप क्रिसमस का सामान लेने आए, तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा ये सामान खरीदने के लिए। अपने घर के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं तो बेस्ट मार्केट आपको पता ही है, बंजारा मार्केट बेस्ट मार्केट है पूरे गुड़गांव में, तो बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं आप ये। ये वुड में आपको बर्ड के भी आर्टिकल मिल जाएंगे। देखिए सामान आपको हर तरह का मिलेगा बंजारा में, आप अपना घर लेना चाह, घर से रिलेटेड हो या क्रॉकरी से रिलेटेड हो, किचन से रिलेटेड हो या फिर फर्नीचर हो, वो सब आपको मार्केट में मिल जाएगा। चीज़ें बल्क में लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। मेक श्योर आपको यही करना है कि प्राइस आपको सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप प्राइस क्या कोट कर क्या ले रहे हैं। तो मैंने हमेशा यही बोला है, आपको कोशिश यही करनी है कि आपको प्राइस बोलना ही इतना है कि वो ज़्यादा आपको अपनी पॉकेट पे भी भारी ना पड़े और उनको भी रिजनेबल लगे और वो आराम से आपको दे दें। तो इसीलिए मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, मैंने आपके साथ हर चीज़ जो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, प्राइस भी मैंने बताती हूँ मैं आपको, आप कितना ले सकते हैं, कितने प्राइस में ले सकते हैं। तो मैंने क्रॉकरी के लिए बेस्ट मार्केट तो सिर्फ मैं अगर बोलूँ तो वो बंजारा ही है। आपको इतना ऑप्शन मिल जाएगा क्रॉकरी के सामान का, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ, बट मुझे एक चीज़ हमेशा अच्छी नहीं लगती इन चीज़ों में, क्योंकि इनके पास ना जो डिज़ाइन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और सिमिलर होते हैं ज़्यादातर क्रॉकरी के। तो प्लेट वगैरह मैं मानती हूँ, बट जो सर्विंग बाउल वगैरह होते हैं उनके सामान
के जो डिज़ाइन है वो सिमिलर होते हैं, तो कुछ डिफरेंट भी आना चाहिए मार्केट में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आपके डाइनिंग टेबल को भी अच्छा लगेगा कि कुछ न्यू आपने डाइनिंग टेबल पर यूज़ किया है। हालांकि वो बोल नहीं सकता, बट पैनल की अगर मैं बात करूँ, ये रोम मिरर आपको मिल जाएंगे विदाउट मिरर अराउंड 1000 के आसपास, और कोशिश तो आपको करनी है कि 800 के अराउंड मिल जाए, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा साइज़ है वो 3500 तक के आसपास का बोलते हैं, मतलब कि 3500 का। तो जो विदाउट मिरर है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा प्राइस के 1500 के अराउंड कोट करते हैं, वो 700-800 तक का आपको लेना है। शैंडलियर वगैरह आपको मिल जाएंगे 3000, प्राइस है 3000-4000 तक का दे देंगे आपको, और फ्लोर लैम्प ये 1000 का कोट करते हैं 700 तक का दे देंगे। आई होप फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।